संसद में अभद्रता के आरोप में सदन से निलंबित सांसदों ने विधानसभा परिसर में रात भर प्रदर्शन करने के बाद मंगलवार को अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन सांसदों के निलंबन खत्म होने तक राज्यसभा का बायकॉट करने का निर्णय लिया है। राज्यसभा के विपक्षी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 8 सदस्यों के निलंबन को रद्द किए जाने तक विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। सदन में उपसभापति से अभद्र व्यवहार करने और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में बीते सोमवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 8 सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया था, जिसके विरोध में निलंबित सांसद विधानसभा परिसर में धरना दे रहे थे। निलंबित सांसदों का समर्थन करते हुए मंगलवार को दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भी खुलकर सामने आए और उन्होंने अपने साथी संजय सिंह सहित अन्य नेताओं का समर्थन किया जो किसान बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर रहे नेताओं का समर्थन करते हुए ट्वीट कर कहा कि देश भर के किसान कह रहे हैं कि ये कानून किसानों को ख़त्म कर देंगे। इतने खतरनाक कानून को बिना वोटिंग कराए संसद से पास घोषित कर दिया, फिर संसद का क्या मतलब, चुनावों का क्या मतलब? अगर इसी तरह कानून पास करवाने हैं तो संसद सत्र क्यों बुलाते हो? अपने साथी संजय सिंह और अन्य सांसदों की तारीफ करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, संजय सिंह जी और अन्य सांसद रात भर संसद परिसर में देश के किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। मच्छर, गर्मी और अन्य असुविधाओं की परवाह किए बगैर किसानों के लिए लड़ते रहे। वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वे जनतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, वे देश के किसानों के लिए संघर्षरत हैं। इससे पहले मंगलवार की सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर गए, जिसे सांसदों ने लेने से मना कर दिया। एक तरफ जहां उपसभापति के इस कदम की सराहना खुद पीएम मोदी ने की, तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, हम अपनी चाय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने किसानों के निवाले के लिए लड़ रहे हैं जो आपने छीना है। मेरी आपसे विनम्र विनती है, मैं आपकी चाय पूरे आदर के साथ लौटा रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुबह उपसभापति जी हम लोगों के धरने पर चाय पिलाने के लिए आए थे और बहुत बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप इतनी बड़ी लड़ाई को इतना छोटा मत बनाइए। ये चाय पीने और पिलाने की लड़ाई नहीं है, ये देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर जो लात मारा गया है, उनका जो निवाला छीना गया है, ये उसकी लड़ाई है, ये चाय पीने की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं आप? देश का किसान, देश का अन्नदाता करोड़ों लोगों का पेट भरता है, आपका भी भरता है, हमारा भी भरता है, सांसदों का भी भरता है, मंत्रियों का भी भरता है। उसके इस महान योगदान के सामने ये चाय बहुत छोटी चीज है, उसकी चिंता कीजिए। आज हमारे तमाम विपक्ष के मित्रों ने सदन का बहिष्कार किया। मुद्दा साफ है, हम लोगों का सस्पेंशन भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप जिंदगी भर के लिए मुझे निलंबित करना चाहते हैं, बिल्कुल निलंबित कर दीजिए, पूरी जिंदगी निलंबित रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे किसान भाइयों का जो निवाला छीना है, वो निवाला वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी। जो इस देश के किसानों के पेट और पीठ पे छुरा मारा गया है, उसको, इस काले कानून को वापस लेकर उनको राहत पहुंचाइए प्रधानमंत्री जी। ये काला कानून बगैर वोटिंग के जबरन अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से जो पारित किया गया है, लोकतंत्र की मर्यादा को, संसद की मर्यादा को जो शर्मिंदा किया गया है, उसको वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये लड़ाई चाय पीने और पिलाने की नहीं है, देश के करोड़ों किसानों की लड़ाई को आप एक छोटी सी चाय पिला के निपटा रहे हैं। मैं बहुत आदरपूर्वक आपकी चाय आपको वापस करता हूं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के करोड़ों किसानों का जो आपने निवाला छीना है, उसको वापस कीजिए। सस्पेंशन मुद्दा नहीं, निलंबन मुद्दा नहीं, जो कुछ उस दिन हुआ सदन के अंदर
वो पूरे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी राज्यसभा में अल्पमत में थी, अकाली दल विरोध कर रही थी, बीजेडी विरोध कर रही थी, टीआरएस विरोध कर रही थी, एआईएडीएमके सेलेक्ट कमेटी की मांग कर रही थी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सारी पार्टियां विरोध में थी, आरजेडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, उसके बावजूद ये काला कानून पास किया गया। इसलिए इस लड़ाई को छोटा मत बनाइए, ये इस देश के करोड़ों किसानों को धोखा देने का काम आपकी सरकार ने किया है। आप कहते हैं एमएसपी देंगे प्रधानमंत्री जी, आप 2014 का अपना भाषण भूल गए, आपको याद नहीं आपने क्या कहा था चुनाव के पहले, एक साल के अंदर फसल की लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम किसानों को दिया जाएगा, 50% मुनाफे के साथ फसल की कीमत दी जाएगी। लेकिन आपकी सरकार ने शपथ पत्र देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम 50% मुनाफा नहीं देंगे। कितना धोखा दोगे किसानों को, कितनी बार उनकी पीठ में छुरा मारोगे प्रधानमंत्री जी? पूरे देश को आपको जवाब देना होगा। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है, वो चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो। आपने एमएसपी खत्म कर दी, कानून में एक शब्द दिखाइए कहां आपने एमएसपी लिखा है। कोई व्यापारी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से, कोई पूंजीपति अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम में किसान से खरीद करेगा तो वो किसान कहां गुहार लगाने जाएगा? कौन सा न्यायालय उसकी बात सुनेगा अगर आपने बिल में, कानून में लिखा ही नहीं है एमएसपी के बारे में, एक शब्द नहीं लिखा तीनों बिल में। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं और विपक्ष के मित्रों को भी कह रहा हूं, हम लोगों का निलंबन कोई मुद्दा नहीं है, ये काला कानून जो बिना वोटिंग के पास किया गया है उसको वापस लिया जाए और किसानों को राहत पहुंचाई जाए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।